कहते हैं बेटा मुझे तुझ में तो है फायर, बहुत बड़ा काम करेगा ये है डिजायर। टाइगर साउथ इंडियन मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिस फिल्म को 2022 25 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अब तक की फिल्मी करियर में सबसे बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था तब इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दिए थे। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में तमिल और हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की तेलुगु वर्सन और हिंदी वर्सन की फैंस ने फिल्म के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और जमकर तारीफें की थी। क्योंकि दोस्तों फिल्म था ही इतना ज़बरदस्त कि लोगों को ये फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों वैसे तो साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज सिनेमाघरों में रिलीज हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मूवीज़ लोगों को और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के बारे में बता दूं तो सुपरस्टार विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो हर कोई को पसंद आते हैं। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने जब से साउथ इंडियन फिल्मों में अपना डेब्यू किया है तब से ही लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिसको इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के काफ़ी देशों में देखा जाता है और दुनिया भर के काफ़ी देशों के लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को पसंद भी करते हैं। एंड दोस्तों बात करें उनकी 2022 में रिलीज हुई फिल्म लाइगर की तो बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट होने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी ज़बरदस्त किया था। क्योंकि दोस्तों लोगों ने इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया था कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की इस फिल्म को सुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता था और तभी तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रहा है। और इसके अलावा भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी मूवीज़ की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में भी कामयाब रहा है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और इसी वजह से भी ये फिल्म सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक फिल्म बनी है। एंड दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का रोल भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर देने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए थे। क्योंकि दोस्तों हम सभी ने इस फिल्म की ट्रेलर और मैक्सिमम लोगों ने तो पूरा ही फिल्म देखा होगा और उसमें भी आप देख सकते हो कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा फिल्म के अंदर कितना दमदार रोल प्ले कर रहे हैं। और जहां पर हम सभी को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ज़बरदस्त और धमाकेदार एक्शन सीन्स भी देखने को मिले थे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म के अंदर भी हम सभी को ट्रेलर के तरह ही काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ काफ़ी सारा रोमांस और कॉमेडी भी देखने को मिलने वाले हैं और इसे देखने के बाद आप सभी काफ़ी ज़्यादा मज़े ले पाओगे फिल्म लाइगर से। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाली है और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे। तो दोस्तों आप सभी को इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के अपोजिट में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस
अनन्या पांडे भी देखने को मिलेंगी, जो इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफी ज्यादा प्यार करती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की यह जबरदस्त और धमाकेदार फिल्म लाइगर 2022 की सबसे खूबसूरत फिल्म में से एक फिल्म बनी थी। और दोस्तों तभी तो लोगों ने फिल्म लाइगर को काफी ज्यादा पसंद किया है और इस फिल्म ने कलेक्शन भी काफी अच्छा किया है, क्योंकि दोस्तों फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार थी। और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी फिल्म के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया है। और बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की तो आप सभी को बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने, जो साउथ के काफी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने साउथ इंडियन कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि टेम्पर और बिजनेसमैन जैसी कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो पुरी जगन्नाथ ने फिल्म लाइगर के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ साथ कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है, और जिसे देखने में आप सभी को काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है, क्योंकि दोस्तों फिल्म के अंदर लीड रोल के तौर पर हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के काफी ज्यादा पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों कुल मिला के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की डायरेक्शन में बनी फिल्म लाइगर 2022 की एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार फिल्म बनी थी, क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये जबरदस्त फिल्म लाइगर में पूरी की स्टार कास्ट और पूरी की फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड भी हैं। तभी तो 2022 में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की काफी सारी फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में कामयाब रहा है। लाइगर साउथ इंडियन मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिस फिल्म को 2022 25 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था, एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छी रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन ये जबरदस्त फिल्म लाइगर में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अब तक की फिल्मी करियर में सबसे बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था तब इस फिल्म को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था और काफी अच्छे अच्छे रिव्यूज भी दिए थे। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में तमिल और हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की तेलुगु वर्सन और हिंदी वर्सन की फैंस ने फिल्म के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज और जमकर तारीफें की थी। क्योंकि दोस्तों फिल्म था ही इतना ज़बरदस्त कि लोगों को ये फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों वैसे तो साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज सिनेमाघरों में रिलीज हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मूवीज लोगों को और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के बारे में बता दूं तो सुपरस्टार विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो हर कोई को पसंद आते हैं। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने जब से साउथ इंडियन फिल्मों में अपना डेब्यू किया है तब से ही लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और जिसको इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के काफ़ी देशों में देखा जाता है, और दुनिया भर के काफ़ी देशों के लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को पसंद भी करते हैं। एंड दोस्तों बात करें उनकी 2022 में रिलीज हुई फिल्म लाइगर की तो बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट होने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी जबरदस्त किया था। क्योंकि दोस्तों लोगों ने इस फिल्म को इतना ज्यादा पसंद किया था कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की इस फिल्म को सुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता था, और तभी तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफी जबरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रहा है। और इसके अलावा भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी मूवीज की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में भी कामयाब रहा है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये जबरदस्त फिल्म लाइगर को
लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और इसी वजह से भी ये फिल्म सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक फिल्म बनी है। एंड दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का रोल भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर देने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए थे। क्योंकि दोस्तों हम सभी ने इस फिल्म की ट्रेलर और मैक्सिमम लोगों ने तो पूरा ही फिल्म देखा होगा और उसमें भी आप देख सकते हो कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा फिल्म के अंदर कितना दमदार रोल प्ले कर रहे हैं। और जहां पर हम सभी को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जबरदस्त और धमाकेदार एक्शन सीन्स भी देखने को मिले थे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म के अंदर भी हम सभी को ट्रेलर के तरह ही काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ काफ़ी सारा रोमांस और कॉमेडी भी देखने को मिलने वाले हैं और इसे देखने के बाद आप सभी काफ़ी ज़्यादा मज़े ले पाओगे फिल्म लाइगर से। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाली है और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे। तो दोस्तों आप सभी को इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के अपोजिट में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी देखने को मिलेंगी, जो इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की यह जबरदस्त और धमाकेदार फिल्म लाइगर 2022 की सबसे खूबसूरत फिल्म में से एक फिल्म बनी थी। और दोस्तों तभी तो लोगों ने फिल्म लाइगर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और इस फिल्म ने कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा किया है, क्योंकि दोस्तों फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार थी। और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। और बात करें इस फिल्म की डायरेक्टर की तो आप सभी को बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने साउथ इंडियन कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि टेम्पर और बिजनेसमैन जैसी कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो पुरी जगन्नाथ ने फिल्म लाइगर के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ साथ कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि दोस्तों फिल्म के अंदर लीड रोल के तौर पर हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों कुल मिला के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की डायरेक्शन में बनी फिल्म लाइगर 2022 की एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म बनी थी, क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड भी हैं। तभी तो 2022 में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की काफ़ी सारी फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में कामयाब रहा है। लाइगर साउथ इंडियन मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिस फिल्म को 2022 25 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अब तक की फिल्मी करियर में सबसे बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था तब इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दिए थे। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में तमिल और हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की तेलुगु वर्सन और हिंदी वर्सन की फैंस ने फिल्म्स के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और जमकर तारीफें की थी। क्योंकि दोस्तों फिल्म था ही इतना ज़बरदस्त कि लोगों को ये फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों वैसे तो साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज सिनेमाघरों में रिलीज हुए हैं
उनमें से ज़्यादातर मूवीज लोगों को और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के बारे में बता दूं तो सुपरस्टार विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो हर कोई को पसंद आते हैं। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने जब से साउथ इंडियन फिल्मों में अपना डेब्यू किया है तब से ही लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और जिसको इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के काफ़ी देशों में देखा जाता है। और दुनिया भर के काफ़ी देशों के लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को पसंद भी करते हैं। एंड दोस्तों बात करें उनकी 2022 में रिलीज हुई फिल्म लाइगर की तो बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट होने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी ज़बरदस्त किया था। क्योंकि दोस्तों लोगों ने इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया था कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की इस फिल्म को सुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता था। और तभी तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रहा है। और इसके अलावा भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी मूवीज़ की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में भी कामयाब रहा है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की यह ज़बरदस्त फिल्म लाइगर को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, और इसी वजह से भी ये फिल्म सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक फिल्म बनी है। एंड दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का रोल भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर देने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए थे। क्योंकि दोस्तों हम सभी ने इस फिल्म की ट्रेलर और मैक्सिमम लोगों ने तो पूरा ही फिल्म देखा होगा, और उसमें भी आप देख सकते हो कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा फिल्म के अंदर कितना दमदार रोल प्ले कर रहे हैं। और जहां पर हम सभी को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ज़बरदस्त और धमाकेदार एक्शन सीन्स भी देखने को मिले थे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म के अंदर भी हम सभी को ट्रेलर के तरह ही काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ काफ़ी सारा रोमांस और कॉमेडी भी देखने को मिलने वाले हैं, और इसे देखने के बाद आप सभी काफ़ी ज़्यादा मज़े ले पाओगे फिल्म लाइगर से। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाली है। और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ रोमांस करते हुए नज़र आएंगी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे। तो दोस्तों आप सभी को इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के अपोजिट में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी देखने को मिलेंगी, जो इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की यह ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म लाइगर 2022 की सबसे खूबसूरत फिल्म में से एक फिल्म बनी थी। और दोस्तों तभी तो लोगों ने फिल्म लाइगर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, और इस फिल्म ने कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा किया है। क्योंकि दोस्तों फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार थी, और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। और बात करें इस फिल्म की डायरेक्टर की तो आप सभी को बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं, और जिसने साउथ इंडियन कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि टेम्पर और बिजनेसमैन जैसी कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो पुरी जगन्नाथ ने फिल्म लाइगर के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ साथ कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है, और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। क्योंकि दोस्तों फिल्म के अंदर लीड रोल के तौर पर हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों कुल मिला के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की डायरेक्शन में बनी फिल्म लाइगर 2022 की एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म बनी थी।
क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में पूरी की पूरी स्टार कास्ट है और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड भी हैं। तभी तो 2022 में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की काफ़ी सारी फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में कामयाब रहा है। लाइगर साउथ इंडियन मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिस फिल्म को 2022 25 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अब तक की फिल्मी करियर में सबसे बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था तब इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दिए थे। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में तमिल और हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की तेलुगु वर्सन और हिंदी वर्सन की फैंस ने फिल्म्स के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और जमकर तारीफें की थी। क्योंकि दोस्तों फिल्म था ही इतना ज़बरदस्त कि लोगों को ये फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों वैसे तो साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज सिनेमाघरों में रिलीज हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मूवीज़ लोगों को और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के बारे में बता दूं तो सुपरस्टार विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो हर कोई को पसंद आते हैं। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने जब से साउथ इंडियन फिल्मों में अपना डेब्यू किया है तब से ही लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिसको इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के काफ़ी देशों में देखा जाता है और दुनिया भर के काफ़ी देशों के लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को पसंद भी करते हैं। एंड दोस्तों बात करें उनकी 2022 में रिलीज़ हुई फिल्म लाइगर की तो बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट होने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी ज़बरदस्त किया था। क्योंकि दोस्तों लोगों ने इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया था कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की इस फिल्म को सुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता था और तभी तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रहा है। और इसके अलावा भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी मूवीज़ की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में भी कामयाब रहा है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और इसी वजह से भी ये फिल्म सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक फिल्म बनी है। एंड दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का रोल भी काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन कर देने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए थे। क्योंकि दोस्तों हम सभी ने इस फिल्म की ट्रेलर और मैक्सिमम लोगों ने तो पूरा ही फिल्म देखा होगा और उसमें भी आप देख सकते हो कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा फिल्म के अंदर कितना दमदार रोल प्ले कर रहे हैं। और जहां पर हम सभी को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ज़बरदस्त और धमाकेदार एक्शन सीन्स भी देखने को मिले थे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म के अंदर भी हम सभी को ट्रेलर के तरह ही काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ काफ़ी सारा रोमांस और कॉमेडी भी देखने को मिलने वाले हैं और इसे देखने के बाद आप सभी काफ़ी ज़्यादा मज़े ले पाओगे फिल्म लाइगर से। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाली है और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ रोमांस करते हुए नज़र आएंगी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे। तो दोस्तों आप सभी को इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के अपोजिट में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी देखने को मिलेंगी जो इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की यह ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म लाइगर 2022 की सबसे खूबसूरत फिल्म में से एक फिल्म बनी थी। और दोस्तों तभी तो लोगों ने फिल्म लाइगर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और इस फिल्म ने कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा किया है।
क्योंकि दोस्तों फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार थी। और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। और बात करें इस फिल्म की डायरेक्टर की, तो आप सभी को बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने साउथ इंडियन कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि टेम्पर और बिजनेसमैन जैसी कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो पुरी जगन्नाथ ने फिल्म लाइगर के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ साथ कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है, और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। क्योंकि दोस्तों फिल्म के अंदर लीड रोल के तौर पर हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों कुल मिला के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की डायरेक्शन में बनी फिल्म लाइगर 2022 की एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म बनी थी। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड भी हैं। तभी तो 2022 में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की काफ़ी सारी फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में कामयाब रहा है। लाइगर साउथ इंडियन मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिस फिल्म को 2022 25 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अब तक की फिल्मी करियर में सबसे बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था तब इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दिए थे। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में तमिल और हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की तेलुगु वर्सन और हिंदी वर्सन की फैंस ने फिल्म्स के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और जमकर तारीफें की थी। क्योंकि दोस्तों फिल्म था ही इतना ज़बरदस्त कि लोगों को ये फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों वैसे तो साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज सिनेमाघरों में रिलीज हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मूवीज़ लोगों को और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के बारे में बता दूं तो सुपरस्टार विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो हर कोई को पसंद आते हैं। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने जब से साउथ इंडियन फिल्मों में अपना डेब्यू किया है तब से ही लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिसको इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के काफ़ी देशों में देखा जाता है और दुनिया भर के काफ़ी देशों के लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को पसंद भी करते हैं। एंड दोस्तों बात करें उनकी 2022 में रिलीज हुई फिल्म लाइगर की, तो बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट होने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी ज़बरदस्त किया था। क्योंकि दोस्तों लोगों ने इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया था कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की इस फिल्म को सुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता था और तभी तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रहा है। और इसके अलावा भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी मूवीज़ की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में भी कामयाब रहा है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और इसी वजह से भी ये फिल्म सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक फिल्म बनी है। एंड दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का रोल भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर देने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए थे। क्योंकि दोस्तों हम सभी ने इस फिल्म की ट्रेलर और मैक्सिमम लोगों ने तो पूरा ही फिल्म देखा होगा
और उसमें भी आप देख सकते हो कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा फिल्म के अंदर कितना दमदार रोल प्ले कर रहे हैं। और जहाँ पर हम सभी को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जबरदस्त और धमाकेदार एक्शन सीन्स भी देखने को मिले थे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म के अंदर भी हम सभी को ट्रेलर के तरह ही काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ काफ़ी सारा रोमांस और कॉमेडी भी देखने को मिलने वाले हैं। और इसे देखने के बाद आप सभी काफ़ी ज़्यादा मज़े ले पाओगे फिल्म लाइगर से। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाली है। और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ रोमांस करते हुए नज़र आएंगी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे। तो दोस्तों आप सभी को इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के अपोजिट में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी देखने को मिलेंगी, जो इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की यह ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म लाइगर 2022 की सबसे खूबसूरत फिल्म में से एक फिल्म बनी थी। और दोस्तों तभी तो लोगों ने फिल्म लाइगर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और इस फिल्म ने कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा किया है। क्योंकि दोस्तों फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार थी। और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। और बात करें इस फिल्म की डायरेक्टर की तो आप सभी को बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने साउथ इंडियन कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि टेम्पर और बिजनेसमैन जैसी कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो पुरी जगन्नाथ ने फिल्म लाइगर के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ साथ कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। क्योंकि दोस्तों फिल्म के अंदर लीड रोल के तौर पर हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों कुल मिला के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की डायरेक्शन में बनी फिल्म लाइगर 2022 की एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म बनी थी। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की यह ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड भी हैं। तभी तो 2022 में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की काफ़ी सारी फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में कामयाब रहा है। लाइगर साउथ इंडियन मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिस फिल्म को 2022 25 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अब तक की फिल्मी करियर में सबसे बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था तब इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दिए थे। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में तमिल और हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की तेलुगु वर्सन और हिंदी वर्सन की फैंस ने फिल्म्स के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और जमकर तारीफें की थी। क्योंकि दोस्तों फिल्म था ही इतना ज़बरदस्त कि लोगों को ये फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों वैसे तो साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज सिनेमाघरों में रिलीज हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मूवीज़ लोगों को और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के बारे में बता दूं तो सुपरस्टार विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो हर कोई को पसंद आते हैं। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने जब से साउथ इंडियन फिल्मों में अपना डेब्यू किया है
तब से ही लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिसको इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के काफ़ी देशों में देखा जाता है और दुनिया भर के काफ़ी देशों के लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को पसंद भी करते हैं। एंड दोस्तों बात करें उनकी 2022 में रिलीज हुई फिल्म लाइगर की तो बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट होने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी ज़बरदस्त किया था, क्योंकि दोस्तों लोगों ने इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया था कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की इस फिल्म को सुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता था। और तभी तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रहा है। और इसके अलावा भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी मूवीज़ की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में भी कामयाब रहा है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की यह ज़बरदस्त फिल्म लाइगर को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और इसी वजह से भी ये फिल्म सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक फिल्म बनी है। एंड दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का रोल भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर देने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए थे। क्योंकि दोस्तों हम सभी ने इस फिल्म की ट्रेलर और मैक्सिमम लोगों ने तो पूरा ही फिल्म देखा होगा और उसमें भी आप देख सकते हो कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा फिल्म के अंदर कितना दमदार रोल प्ले कर रहे हैं। और जहां पर हम सभी को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ज़बरदस्त और धमाकेदार एक्शन सीन्स भी देखने को मिले थे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म के अंदर भी हम सभी को ट्रेलर के तरह ही काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ काफ़ी सारा रोमांस और कॉमेडी भी देखने को मिलने वाले हैं और इसे देखने के बाद आप सभी काफ़ी ज़्यादा मज़े ले पाओगे फिल्म लाइगर से। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाली है और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे। तो दोस्तों आप सभी को इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के अपोजिट में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी देखने को मिलेंगी, जो इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की यह ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म लाइगर 2022 की सबसे खूबसूरत फिल्म में से एक फिल्म बनी थी। और दोस्तों तभी तो लोगों ने फिल्म लाइगर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और इस फिल्म ने कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा किया है, क्योंकि दोस्तों फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार थी। और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। और बात करें इस फिल्म की डायरेक्टर की तो आप सभी को बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने साउथ इंडियन कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि टेम्पर और बिजनेसमैन जैसी कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो पुरी जगन्नाथ ने फिल्म लाइगर के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ साथ कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि दोस्तों फिल्म के अंदर लीड रोल के तौर पर हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों कुल मिला के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की डायरेक्शन में बनी फिल्म लाइगर 2022 की एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म बनी थी, क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड भी हैं। तभी तो 2022 में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की काफ़ी सारी फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में कामयाब रहा है। लाइगर साउथ इंडियन मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है
और जिस फिल्म को 2022 25 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था। एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन ये जबरदस्त फिल्म लाइगर में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अब तक की फिल्मी करियर में सबसे बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था तब इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज भी दिए थे। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में तमिल और हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की तेलुगु वर्सन और हिंदी वर्सन की फैंस ने फिल्म्स के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और जमकर तारीफें की थी। क्योंकि दोस्तों फिल्म था ही इतना ज़बरदस्त कि लोगों को ये फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों वैसे तो साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज सिनेमाघरों में रिलीज हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मूवीज़ लोगों को और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के बारे में बता दूं तो सुपरस्टार विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो हर कोई को पसंद आते हैं। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने जब से साउथ इंडियन फिल्मों में अपना डेब्यू किया है तब से ही लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और जिसको इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के काफ़ी देशों में देखा जाता है, और दुनिया भर के काफ़ी देशों के लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को पसंद भी करते हैं। एंड दोस्तों बात करें उनकी 2022 में रिलीज हुई फिल्म लाइगर की तो बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट होने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी ज़बरदस्त किया था। क्योंकि दोस्तों लोगों ने इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया था कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की इस फिल्म को सुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता था, और तभी तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रहा है। और इसके अलावा भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी मूवीज़ की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में भी कामयाब रहा है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की यह ज़बरदस्त फिल्म लाइगर को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, और इसी वजह से भी ये फिल्म सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक फिल्म बनी है। एंड दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का रोल भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर देने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए थे। क्योंकि दोस्तों हम सभी ने इस फिल्म की ट्रेलर और मैक्सिमम लोगों ने तो पूरा ही फिल्म देखा होगा, और उसमें भी आप देख सकते हो कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा फिल्म के अंदर कितना दमदार रोल प्ले कर रहे हैं। और जहां पर हम सभी को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जबरदस्त और धमाकेदार एक्शन सीन्स भी देखने को मिले थे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म के अंदर भी हम सभी को ट्रेलर के तरह ही काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ काफ़ी सारा रोमांस और कॉमेडी भी देखने को मिलने वाले हैं, और इसे देखने के बाद आप सभी काफ़ी ज़्यादा मज़े ले पाओगे फिल्म लाइगर से। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाली है, और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे। तो दोस्तों आप सभी को इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के अपोजिट में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी देखने को मिलेंगी, जो इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की यह जबरदस्त और धमाकेदार फिल्म लाइगर 2022 की सबसे खूबसूरत फिल्म में से एक फिल्म बनी थी। और दोस्तों तभी तो लोगों ने फिल्म लाइगर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, और इस फिल्म ने कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा किया है। क्योंकि दोस्तों फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार थी, और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। और बात करें इस फिल्म की डायरेक्टर की तो आप सभी को बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने।
जो साउथ के काफी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने साउथ इंडियन कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि टेम्पर और बिजनेसमैन जैसी कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो पूरी जगन्नाथ ने फिल्म लाइगर के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ साथ कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि दोस्तों फिल्म के अंदर लीड रोल के तौर पर हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों कुल मिला के डायरेक्टर पूरी जगन्नाथ की डायरेक्शन में बनी फिल्म लाइगर 2022 की एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार फिल्म बनी थी, क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये जबरदस्त फिल्म लाइगर में पूरी की स्टार कास्ट और पूरी की फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड भी हैं। तभी तो 2022 में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की काफ़ी सारी फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में कामयाब रहा है। जवान एक बॉलीवुड अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिसके लीड रोल में है बॉलीवुड वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार शाहरुख खान और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सुपरस्टार विजय सेतुपति और साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस नयनतारा, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म जवान काफ़ी जबरदस्त और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार सुपरस्टार शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म जवान में एक नहीं बल्कि पूरी की स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो सुपरस्टार शाहरुख खान और विजय सेतुपति के साथ साथ एक्ट्रेस नयनतारा को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि बॉलीवुड अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म जवान ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के काफ़ी देशों में तहलका मचाते हैं। और दोस्तों इस बार बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म जवान भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर होने वाली है, जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तहलका मचाएगा। जैसे इनकी 2011 में रिलीज हुई फिल्म डॉन 2 ने पूरी दुनिया भर में तहलका मचाया था, वैसे ही इस बार भी सुपरस्टार शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान ने मचाने वाली है, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान एकदम ही अलग ही टाइप्स की फिल्म होने वाली है और इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सीन्स के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स और भरपूर थ्रिलर सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। एंड वहीं दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि सुपरस्टार शाहरुख खान की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म की एक एक सीन में ही काफ़ी ज़्यादा बजट लगे हुए हैं और इस फिल्म के फिल्म मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार होगी, जिसने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हिट करवाने के लिए सुपरस्टार शाहरुख खान का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म जवान के अंदर पूरी की स्टार कास्ट और पूरी की फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर और एक्ट्रेस को और फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। एंड वहीं दोस्तों बता दें कि फिल्म जवान के अंदर सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ रोमांस करते हुए
साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस नयनतारा भी आप सभी को नजर आएंगी, जिनको पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वही दोस्तों, आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफ़ी ज़्यादा खुश और रिलैक्स होंगे। तो दोस्तों, इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म जवान ने इस बार बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। जो सुपरस्टार शाहरुख खान और एक्ट्रेस नयनतारा की करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों, बता दें कि फिल्म जवान को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर एटली ने, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी नामी डायरेक्टर हैं, जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि बिग व्हील और थेरी जैसी कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्टर एटली ने डायरेक्ट कर चुके हैं। और फाइनली डायरेक्टर एटली ने बॉलीवुड फिल्म भी डायरेक्ट कर रहे हैं, और जिसके लीड रोल में है सुपरस्टार शाहरुख खान। और दोस्तों, आप सभी ने डायरेक्टर एटली ने डायरेक्ट किए हुए इन सभी फिल्मों को तो देखे ही होंगे, जो आप सभी को 100% काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया होगा। लेकिन दोस्तों, बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर एटली ने सुपरस्टार शाहरुख खान और विजय सेतुपति के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है, और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर एटली की डायरेक्शन में बनी फिल्म जवान हिट ही नहीं होगा, बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। जैसा 2011 में फरहान अख्तर की डायरेक्शन में बनी फिल्म डन टू ने क्रिएट किया था, और जिसके लीड रोल में थे इसी फिल्म के सुपरस्टार शाहरुख खान। लेकिन दोस्तों, बता दें कि अभी फिलहाल लोगों को सिर्फ और सिर्फ फिल्म का टीजर ही देखने को मिला है, जिसमें अभी सुपरस्टार शाहरुख खान की लुक्स को ही दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, फिल्म में और भी कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी हैं, जिनकी लुक्स के साथ साथ कैरेक्टर को भी दिखाना बाकी है, और जो अब फिल्म की ट्रेलर में या फिल्म रिलीज होने के बाद ही देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, आप सभी को एक बात बता दें कि फिल्म जवान को फिल्म इंडस्ट्री की एक नहीं बल्कि कई मल्टी टैलेंटेड लोगों ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से शूट किया है, जिसकी हर एक सीन्स को काफ़ी हाई लेवल से शूट किया गया है। और वहीं बात करें एक्शन सीन्स की, तो इस फिल्म के हर एक एक्शन सीन्स के लिए भी काफ़ी बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को हायर किया गया है, और हर एक एक्शन सीन्स काफ़ी ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली है, जैसे सुपरस्टार प्रभास की फिल्म साहो की एक्शन सीन्स थे। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, ये तो 100% है कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट होने के साथ साथ लोगों को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस फिल्म के हर एक सीन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं, और फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस ने भी हर एक सीन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस फिल्म के हर एक सीन्स को फिल्म इंडस्ट्री की काफ़ी बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले लोगों ने शूट किया है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, इसी हिसाब से फिल्म भी काफ़ी ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लाइगर साउथ इंडियन मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है, और जिस फिल्म को 2022 25 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था, एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अब तक की फिल्मी करियर में सबसे बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था तब इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दिए थे। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में तमिल और हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की तेलुगु वर्सन और हिंदी वर्सन की फैंस ने फिल्म के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और जमकर तारीफें की थी। क्योंकि दोस्तों फिल्म था ही इतना ज़बरदस्त कि लोगों को ये फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों वैसे तो साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज सिनेमाघरों में रिलीज हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मूवीज़ लोगों को और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है।
क्योंकि दोस्तों आप सभी को साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के बारे में बता दूं तो सुपरस्टार विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो हर कोई को पसंद आते हैं। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने जब से साउथ इंडियन फिल्मों में अपना डेब्यू किया है तब से ही लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिसको इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के काफ़ी देशों में देखा जाता है और दुनिया भर के काफ़ी देशों के लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को पसंद भी करते हैं। एंड दोस्तों बात करें उनकी 2022 में रिलीज़ हुई फिल्म लाइगर की तो बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट होने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी ज़बरदस्त किया था। क्योंकि दोस्तों लोगों ने इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया था कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की इस फिल्म को सुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता था और तभी तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रहा है। और इसके अलावा भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी मूवीज़ की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में भी कामयाब रहा है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की यह ज़बरदस्त फिल्म लाइगर को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और इसी वजह से भी ये फिल्म सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक फिल्म बनी है। एंड दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का रोल भी काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन कर देने वाली है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए थे। क्योंकि दोस्तों हम सभी ने इस फिल्म की ट्रेलर और मैक्सिमम लोगों ने तो पूरा ही फिल्म देखा होगा और उसमें भी आप देख सकते हो कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा फिल्म के अंदर कितना दमदार रोल प्ले कर रहे हैं और जहां पर हम सभी को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ज़बरदस्त और धमाकेदार एक्शन सीन्स भी देखने को मिले थे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म के अंदर भी हम सभी को ट्रेलर के तरह ही काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ काफ़ी सारा रोमांस और कॉमेडी भी देखने को मिलने वाले हैं और इसे देखने के बाद आप सभी काफ़ी ज़्यादा मज़े ले पाओगे फिल्म लाइगर से। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाली है और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ रोमांस करते हुए नज़र आएंगी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे। तो दोस्तों आप सभी को इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के अपोजिट में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी देखने को मिलेंगी जो इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की यह ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म लाइगर 2022 की सबसे खूबसूरत फिल्म में से एक फिल्म बनी थी और दोस्तों तभी तो लोगों ने फिल्म लाइगर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और इस फिल्म ने कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा किया है। क्योंकि दोस्तों फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार थी और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। और बात करें इस फिल्म की डायरेक्टर की तो आप सभी को बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने साउथ इंडियन कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं जैसे कि टेम्पर और बिजनेसमैन जैसी कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो पुरी जगन्नाथ ने फिल्म लाइगर के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ साथ कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। क्योंकि दोस्तों फिल्म के अंदर लीड रोल के तौर पर हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों कुल मिला के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की डायरेक्शन में बनी फिल्म लाइगर 2022 की एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म बनी थी
क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड भी हैं। तभी तो 2022 में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की काफ़ी सारी फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में कामयाब रहा है। लाइगर साउथ इंडियन मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिस फिल्म को 2022 25 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अब तक की फिल्मी करियर में सबसे बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था तब इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दिए थे। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में तमिल और हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की तेलुगु वर्सन और हिंदी वर्सन की फैंस ने फिल्म्स के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और जमकर तारीफें की थी। क्योंकि दोस्तों फिल्म था ही इतना ज़बरदस्त कि लोगों को ये फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों वैसे तो साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज सिनेमाघरों में रिलीज हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मूवीज़ लोगों को और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के बारे में बता दूं तो सुपरस्टार विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो हर कोई को पसंद आते हैं। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने जब से साउथ इंडियन फिल्मों में अपना डेब्यू किया है तब से ही लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिसको इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के काफ़ी देशों में देखा जाता है और दुनिया भर के काफ़ी देशों के लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को पसंद भी करते हैं। एंड दोस्तों बात करें उनकी 2022 में रिलीज हुई फिल्म लाइगर की तो बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट होने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी ज़बरदस्त किया था। क्योंकि दोस्तों लोगों ने इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया था कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की इस फिल्म को सुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता था और तभी तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रहा है। और इसके अलावा भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी मूवीज़ की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में भी कामयाब रहा है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की यह ज़बरदस्त फिल्म लाइगर को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और इसी वजह से भी ये फिल्म सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक फिल्म बनी है। एंड दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का रोल भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर देने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए थे। क्योंकि दोस्तों हम सभी ने इस फिल्म की ट्रेलर और मैक्सिमम लोगों ने तो पूरा ही फिल्म देखा होगा और उसमें भी आप देख सकते हो कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा फिल्म के अंदर कितना दमदार रोल प्ले कर रहे हैं। और जहां पर हम सभी को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ज़बरदस्त और धमाकेदार एक्शन सीन्स भी देखने को मिले थे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म के अंदर भी हम सभी को ट्रेलर के तरह ही काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ काफ़ी सारा रोमांस और कॉमेडी भी देखने को मिलने वाले हैं और इसे देखने के बाद आप सभी काफ़ी ज़्यादा मज़े ले पाओगे फिल्म लाइगर से। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाली है और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ रोमांस करते हुए नज़र आएंगी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे। तो दोस्तों आप सभी को इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के अपोजिट में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी देखने को मिलेंगी जो इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की यह ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म लाइगर 2022 की सबसे खूबसूरत फिल्म में से एक फिल्म बनी थी। और दोस्तों तभी तो लोगों ने फिल्म लाइगर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और इस फिल्म ने कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा किया है।
क्योंकि दोस्तों फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार थी। और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। और बात करें इस फिल्म की डायरेक्टर की, तो आप सभी को बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने साउथ इंडियन कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि टेम्पर और बिजनेसमैन जैसी कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो पुरी जगन्नाथ ने फिल्म लाइगर के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ साथ कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है, और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। क्योंकि दोस्तों फिल्म के अंदर लीड रोल के तौर पर हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों कुल मिला के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की डायरेक्शन में बनी फिल्म लाइगर 2022 की एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म बनी थी। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की यह ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में पूरी की स्टार कास्ट और पूरी की फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड भी हैं। तभी तो 2022 में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की काफ़ी सारी फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में कामयाब रहा है। लाइगर साउथ इंडियन मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिस फिल्म को 2022 25 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अब तक की फिल्मी करियर में सबसे बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था तब इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दिए थे। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में तमिल और हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की तेलुगु वर्सन और हिंदी वर्सन की फैंस ने फिल्म के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और जमकर तारीफें की थी। क्योंकि दोस्तों फिल्म था ही इतना ज़बरदस्त कि लोगों को ये फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों वैसे तो साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज सिनेमाघरों में रिलीज हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मूवीज लोगों को और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के बारे में बता दूं तो सुपरस्टार विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो हर कोई को पसंद आते हैं। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने जब से साउथ इंडियन फिल्मों में अपना डेब्यू किया है तब से ही लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिसको इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के काफ़ी देशों में देखा जाता है और दुनिया भर के काफ़ी देशों के लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को पसंद भी करते हैं। एंड दोस्तों बात करें उनकी 2022 में रिलीज हुई फिल्म लाइगर की, तो बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट होने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी ज़बरदस्त किया था। क्योंकि दोस्तों लोगों ने इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया था कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की इस फिल्म को सुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता था और तभी तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रहा है। और इसके अलावा भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी मूवीज़ की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में भी कामयाब रहा है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और इसी वजह से भी ये फिल्म सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक फिल्म बनी है। एंड दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का रोल भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर देने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए थे। क्योंकि दोस्तों हम सभी ने इस फिल्म की ट्रेलर और मैक्सिमम लोगों ने तो पूरा ही फिल्म देखा होगा
और उसमें भी आप देख सकते हो कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा फिल्म के अंदर कितना दमदार रोल प्ले कर रहे हैं। और जहां पर हम सभी को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जबरदस्त और धमाकेदार एक्शन सीन्स भी देखने को मिले थे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म के अंदर भी हम सभी को ट्रेलर के तरह ही काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ काफ़ी सारा रोमांस और कॉमेडी भी देखने को मिलने वाले हैं। और इसे देखने के बाद आप सभी काफ़ी ज़्यादा मज़े ले पाओगे फिल्म लाइगर से। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाली है। और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे। तो दोस्तों आप सभी को इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के अपोजिट में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी देखने को मिलेंगी, जो इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की यह जबरदस्त और धमाकेदार फिल्म लाइगर 2022 की सबसे खूबसूरत फिल्म में से एक फिल्म बनी थी। और दोस्तों तभी तो लोगों ने फिल्म लाइगर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और इस फिल्म ने कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा किया है, क्योंकि दोस्तों फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार थी। और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। और बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की तो आप सभी को बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने साउथ इंडियन कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि टेम्पर और बिजनेसमैन जैसी कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो पुरी जगन्नाथ ने फिल्म लाइगर के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ साथ कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है, और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि दोस्तों फिल्म के अंदर लीड रोल के तौर पर हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों कुल मिला के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की डायरेक्शन में बनी फिल्म लाइगर 2022 की एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म बनी थी, क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड भी हैं। तभी तो 2022 में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की काफ़ी सारी फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में कामयाब रहा है। लाइगर साउथ इंडियन मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिस फिल्म को 2022 25 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था, एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अब तक की फिल्मी करियर में सबसे बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था तब इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दिए थे। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में तमिल और हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की तेलुगु वर्सन और हिंदी वर्सन की फैंस ने फिल्म के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और जमकर तारीफें की थी। क्योंकि दोस्तों फिल्म था ही इतना ज़बरदस्त कि लोगों को ये फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों वैसे तो साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज सिनेमाघरों में रिलीज हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मूवीज़ लोगों को और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के बारे में बता दूं तो सुपरस्टार विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो हर कोई को पसंद आते हैं। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने जब से साउथ इंडियन फिल्मों में अपना डेब्यू किया है
तब से ही लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिसको इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के काफ़ी देशों में देखा जाता है और दुनिया भर के काफ़ी देशों के लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को पसंद भी करते हैं। एंड दोस्तों बात करें उनकी 2022 में रिलीज हुई फिल्म लाइगर की तो बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट होने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी ज़बरदस्त किया था, क्योंकि दोस्तों लोगों ने इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया था कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की इस फिल्म को सुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता था और तभी तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रहा है। और इसके अलावा भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी मूवीज़ की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में भी कामयाब रहा है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की यह ज़बरदस्त फिल्म लाइगर को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और इसी वजह से भी ये फिल्म सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक फिल्म बनी है। एंड दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का रोल भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर देने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए थे, क्योंकि दोस्तों हम सभी ने इस फिल्म की ट्रेलर और मैक्सिमम लोगों ने तो पूरा ही फिल्म देखा होगा और उसमें भी आप देख सकते हो कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा फिल्म के अंदर कितना दमदार रोल प्ले कर रहे हैं और जहां पर हम सभी को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जबरदस्त और धमाकेदार एक्शन सीन्स भी देखने को मिले थे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म के अंदर भी हम सभी को ट्रेलर के तरह ही काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ काफ़ी सारा रोमांस और कॉमेडी भी देखने को मिलने वाले हैं और इसे देखने के बाद आप सभी काफ़ी ज़्यादा मज़े ले पाओगे फिल्म लाइगर से। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाली है और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे। तो दोस्तों आप सभी को इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के अपोजिट में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी देखने को मिलेंगी, जो इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की यह ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म लाइगर 2022 की सबसे खूबसूरत फिल्म में से एक फिल्म बनी थी और दोस्तों तभी तो लोगों ने फिल्म लाइगर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और इस फिल्म ने कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा किया है, क्योंकि दोस्तों फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार थी और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। और बात करें इस फिल्म की डायरेक्टर की तो आप सभी को बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने साउथ इंडियन कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि टेम्पर और बिजनेसमैन जैसी कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो पुरी जगन्नाथ ने फिल्म लाइगर के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ साथ कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि दोस्तों फिल्म के अंदर लीड रोल के तौर पर हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों कुल मिला के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की डायरेक्शन में बनी फिल्म लाइगर 2022 की एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म बनी थी, क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की यह ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड भी हैं। तभी तो 2022 में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की काफ़ी सारी फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में कामयाब रहा है। गॉडफादर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की और एक ज़बरदस्त एंड धमाकेदार अपकमिंग फिल्म है
और जिसके लीड रोल में है साउथ इंडियन मेगा सुपरस्टार चिरंजीवी और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान। साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस नयन थारा, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं। एंड दोस्तों बता दें कि इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार चिरंजीवी की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म गॉडफादर काफ़ी ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस बार चिरंजीवी की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म गॉडफादर में एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी स्टार कास्ट मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इंडिया में शायद ही ऐसे कम लोग होंगे जो साउथ इंडियन सुपरस्टार चिरंजीवी और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को ना पहचानते होंगे। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपकमिंग फिल्म गॉडफादर ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन ज़्यादातर फिल्में ऐसे बनते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तड़का मचाते हैं। और दोस्तों इस बार साउथ इंडियन सुपरस्टार चिरंजीवी की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म गॉडफादर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर होने वाली है, जो इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर कई देशों में भी तड़का मचाएगा। जैसे 2015 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली ने पूरी दुनिया भर में तड़का मचाया था, वैसे ही इस बार सुपरस्टार चिरंजीवी की अपकमिंग फिल्म गॉडफादर ने मचाने वाली है। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार चिरंजीवी की अपकमिंग फिल्म गॉडफादर एकदम ही हटके और अलग ही टाइप्स की फिल्म होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एक्शन सीन्स के साथ साथ भरपूर पॉलिटिकल सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। एंड वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि चिरंजीवी की इस फिल्म को एकदम ही हाई लेवल का फिल्म बनाया गया है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म की एक एक सीन में ही काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं। और इस फिल्म का फिल्म मेकर्स ने भी अपना ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों फिल्म मेकर्स की बात छोड़ के हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होगी, जिसने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है। क्योंकि दोस्तों साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म हिट करवाने के लिए एक अकेले सुपरस्टार चिरंजीवी का नाम ही काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इस बार तो फिल्म गॉडफादर के अंदर पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ इन एक्टर एक्ट्रेस और फिल्म मेकर्स को लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनकी फिल्म देखने के लिए लोग एनी टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड में रहते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम अंदाज़ा क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म गॉडफादर बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने के साथ साथ पब्लिक को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। इन वही दोस्तों बता दें कि फिल्म गॉडफादर के अंदर सुपरस्टार चिरंजीवी के अपोजिट में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस नयन तारा भी आप सभी को नजर आएंगी, जिनको पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इन वही दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि जब पब्लिक को उनकी पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस एक ही साथ एक ही फिल्म में देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी फिल्म से काफ़ी ज़्यादा खुश और रिलैक्स होंगे। तो दोस्तों इसीलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साउथ इंडियन अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म गॉडफादर ने इस बार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, जो सुपरस्टार चिरंजीवी और एक्ट्रेस नयन तारा के करियर में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वहीं दोस्तों बता दें कि फिल्म गॉडफादर को डायरेक्ट कर रहे हैं साउथ इंडियन जाने माने डायरेक्टर मोहन राजा ने, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी नामी डायरेक्टर हैं, जिसने साउथ इंडियन कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि ध्रुवा और जयम जैसी कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्टर मोहन राजा ने डायरेक्ट कर चुके हैं। और आप सभी ने डायरेक्टर मोहन राजा ने डायरेक्ट किए हुए इन सभी फिल्मों को तो देखे ही होंगे, जो आप सभी को 100% काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया होगा। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर मोहन राजा ने सुपरस्टार चिरंजीवी और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ साथ कई मल्टी टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवा रहे हैं, और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि इस बार डायरेक्टर मोहन राजा की अपकमिंग फिल्म गॉडफादर सिर्फ और सिर्फ हिट ही नहीं होगा, बल्कि फिल्म ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है,
जैसे 2015 में एसएस राजामौली की डायरेक्शन में बनी फिल्म बाहुबली ने क्रिएट किया था। लेकिन दोस्तों बता दें कि अभी फिलहाल लोगों को सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर ही देखने को मिला है, जिसमें अभी सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टार चिरंजीवी, सलमान खान और ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस नयनतारा की लुक्स को ही दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों फिल्म में और भी कई बड़े बड़े दिग्गज कलाकार भी हैं, जिनकी लुक्स के साथ साथ कैरेक्टर को भी दिखाना बाकी है, जो अब फिल्म रिलीज होने के बाद ही देखने को मिल सकता है और जिसका रिलीज डेट रखा गया है 2022 5 अक्टूबर। और दोस्तों आप सभी को एक बात बता दें कि फिल्म गॉडफादर को फिल्म इंडस्ट्री के एक नहीं बल्कि कई मल्टी टैलेंटेड लोगों ने काफी बेहतरीन तरीके से शूट किया है, जिसकी हर एक सीन्स को काफी हाई लेवल से शूट किया गया है। और वहीं दोस्तों बात करें इस फिल्म के एक्शन सीन्स की, तो इस फिल्म के हर एक एक्शन सीन्स के लिए भी काफी बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को हायर किया गया है और हर एक एक्शन सीन्स काफी जबरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। जैसे सुपरस्टार प्रभास की फिल्म साओ की एक्शन सीन्स थे, लेकिन दोस्तों जो भी हो ये तो 100% है कि साउथ इंडियन सुपरस्टार चिरंजीवी की अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म गॉडफादर बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट होने के साथ साथ लोगों को भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म की हर एक एक्शन सीन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बजट और मेहनत लगे हुए हैं और फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस ने भी इस फिल्म के हर एक सीन्स के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि इस फिल्म के हर एक सीन्स को फिल्म इंडस्ट्री के काफी बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले लोगों ने शूट किया है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है इस हिसाब से फिल्म भी काफी जबरदस्त और धमाकेदार होने वाली है और इस फिल्म की फाइट सीन्स भी काफी जबरदस्त और धमाकेदार हैं, जो आप ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से सुपरस्टार चिरंजीवी और सलमान खान जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइगर साउथ इंडियन मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिस फिल्म को 2022 25 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन ये जबरदस्त फिल्म लाइगर में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अब तक की फिल्मी करियर में सबसे बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था तब इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दिए थे। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में तमिल और हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की तेलुगु वर्सन और हिंदी वर्सन की फैंस ने फिल्म्स के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और जमकर तारीफें की थी। क्योंकि दोस्तों फिल्म था ही इतना ज़बरदस्त कि लोगों को ये फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों वैसे तो साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज सिनेमाघरों में रिलीज हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मूवीज़ लोगों को और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के बारे में बता दूं तो सुपरस्टार विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो हर कोई को पसंद आते हैं। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने जब से साउथ इंडियन फिल्मों में अपना डेब्यू किया है तब से ही लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिसको इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के काफ़ी देशों में देखा जाता है और दुनिया भर के काफ़ी देशों के लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को पसंद भी करते हैं। एंड दोस्तों बात करें उनकी 2022 में रिलीज हुई फिल्म लाइगर की, तो बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट होने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी ज़बरदस्त किया था। क्योंकि दोस्तों लोगों ने इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया था कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की इस फिल्म को सुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता था और तभी तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रहा है। और इसके अलावा भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी मूवीज़ की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में भी कामयाब रहा है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की यह ज़बरदस्त फिल्म लाइगर को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और इसी वजह से भी ये फिल्म सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक फिल्म बनी है। एंड दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का रोल भी
काफी ज्यादा इंटरटेन कर देने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए थे। क्योंकि दोस्तों हम सभी ने इस फिल्म की ट्रेलर और मैक्सिमम लोगों ने तो पूरा ही फिल्म देखा होगा, और उसमें भी आप देख सकते हो कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा फिल्म के अंदर कितना दमदार रोल प्ले कर रहे हैं। और जहां पर हम सभी को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जबरदस्त और धमाकेदार एक्शन सीन्स भी देखने को मिले थे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म के अंदर भी हम सभी को ट्रेलर के तरह ही काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ काफ़ी सारा रोमांस और कॉमेडी भी देखने को मिलने वाले हैं, और इसे देखने के बाद आप सभी काफ़ी ज़्यादा मज़े ले पाओगे फिल्म लाइगर से। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाली है। और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ रोमांस करते हुए नज़र आएंगी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे। तो दोस्तों आप सभी को इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के अपोजिट में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी देखने को मिलेंगी, जो इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की यह ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म लाइगर 2022 की सबसे खूबसूरत फिल्म में से एक फिल्म बनी थी। और दोस्तों तभी तो लोगों ने फिल्म लाइगर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, और इस फिल्म ने कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा किया है। क्योंकि दोस्तों फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार थी, और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। और बात करें इस फिल्म की डायरेक्टर की, तो आप सभी को बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं, और जिसने साउथ इंडियन कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि टेम्पर और बिजनेसमैन जैसी कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो पुरी जगन्नाथ ने फिल्म लाइगर के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ साथ कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है, और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। क्योंकि दोस्तों फिल्म के अंदर लीड रोल के तौर पर हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों कुल मिला के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की डायरेक्शन में बनी फिल्म लाइगर 2022 की एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म बनी थी। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की यह ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड भी हैं। तभी तो 2022 में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की काफ़ी सारी फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में कामयाब रहा है। लाइगर साउथ इंडियन मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है, और जिस फिल्म को 2022 25 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था, एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अब तक की फिल्मी करियर में सबसे बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था तब इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दिए थे। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में तमिल और हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की तेलुगु वर्सन और हिंदी वर्सन की फैंस ने फिल्म्स के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और जमकर तारीफें की थी। क्योंकि दोस्तों फिल्म था ही इतना ज़बरदस्त कि लोगों को ये फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों वैसे तो साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज सिनेमाघरों में रिलीज हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मूवीज़ लोगों को और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है।
क्योंकि दोस्तों आप सभी को साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के बारे में बता दूं तो सुपरस्टार विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो हर कोई को पसंद आते हैं। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने जब से साउथ इंडियन फिल्मों में अपना डेब्यू किया है तब से ही लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिसको इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के काफ़ी देशों में देखा जाता है और दुनिया भर के काफ़ी देशों के लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को पसंद भी करते हैं। एंड दोस्तों बात करें उनकी 2022 में रिलीज़ हुई फिल्म लाइगर की तो बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट होने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी ज़बरदस्त किया था। क्योंकि दोस्तों लोगों ने इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया था कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की इस फिल्म को सुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता था और तभी तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रहा है। और इसके अलावा भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी मूवीज़ की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में भी कामयाब रहा है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की यह ज़बरदस्त फिल्म लाइगर को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और इसी वजह से भी ये फिल्म सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक फिल्म बनी है। एंड दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का रोल भी काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन कर देने वाली है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए थे। क्योंकि दोस्तों हम सभी ने इस फिल्म की ट्रेलर और मैक्सिमम लोगों ने तो पूरा ही फिल्म देखा होगा और उसमें भी आप देख सकते हो कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा फिल्म के अंदर कितना दमदार रोल प्ले कर रहे हैं। और जहां पर हम सभी को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ज़बरदस्त और धमाकेदार एक्शन सीन्स भी देखने को मिले थे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म के अंदर भी हम सभी को ट्रेलर के तरह ही काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ काफ़ी सारा रोमांस और कॉमेडी भी देखने को मिलने वाले हैं और इसे देखने के बाद आप सभी काफ़ी ज़्यादा मज़े ले पाओगे फिल्म लाइगर से। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाली है और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ रोमांस करते हुए नज़र आएंगी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे। तो दोस्तों आप सभी को इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के अपोजिट में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी देखने को मिलेंगी जो इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की यह ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म लाइगर 2022 की सबसे खूबसूरत फिल्म में से एक फिल्म बनी थी। और दोस्तों तभी तो लोगों ने फिल्म लाइगर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और इस फिल्म ने कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा किया है। क्योंकि दोस्तों फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार थी और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। और बात करें इस फिल्म की डायरेक्टर की तो आप सभी को बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने साउथ इंडियन कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं जैसे कि टेम्पर और बिजनेसमैन जैसी कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो पुरी जगन्नाथ ने फिल्म लाइगर के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ साथ कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। क्योंकि दोस्तों फिल्म के अंदर लीड रोल के तौर पर हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों कुल मिला के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की डायरेक्शन में बनी फिल्म लाइगर 2022 की एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म बनी थी।
क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में पूरी की पूरी स्टार कास्ट है और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड भी हैं। तभी तो 2022 में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की काफ़ी सारी फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में कामयाब रहा है। लाइगर साउथ इंडियन मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिस फिल्म को 2022 25 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अब तक की फिल्मी करियर में सबसे बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था तब इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दिए थे। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में तमिल और हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की तेलुगु वर्सन और हिंदी वर्सन की फैंस ने फिल्म्स के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और जमकर तारीफें की थी। क्योंकि दोस्तों फिल्म था ही इतना ज़बरदस्त कि लोगों को ये फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों वैसे तो साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज सिनेमाघरों में रिलीज हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मूवीज लोगों को और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के बारे में बता दूं तो सुपरस्टार विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो हर कोई को पसंद आते हैं। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने जब से साउथ इंडियन फिल्मों में अपना डेब्यू किया है तब से ही लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिसको इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के काफ़ी देशों में देखा जाता है और दुनिया भर के काफ़ी देशों के लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को पसंद भी करते हैं। एंड दोस्तों बात करें उनकी 2022 में रिलीज हुई फिल्म लाइगर की तो बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट होने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी ज़बरदस्त किया था। क्योंकि दोस्तों लोगों ने इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया था कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की इस फिल्म को सुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता था और तभी तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रहा है। और इसके अलावा भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी मूवीज़ की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में भी कामयाब रहा है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और इसी वजह से भी ये फिल्म सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक फिल्म बनी है। एंड दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का रोल भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर देने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए थे। क्योंकि दोस्तों हम सभी ने इस फिल्म की ट्रेलर और मैक्सिमम लोगों ने तो पूरा ही फिल्म देखा होगा और उसमें भी आप देख सकते हो कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा फिल्म के अंदर कितना दमदार रोल प्ले कर रहे हैं। और जहां पर हम सभी को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ज़बरदस्त और धमाकेदार एक्शन सीन्स भी देखने को मिले थे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म के अंदर भी हम सभी को ट्रेलर के तरह ही काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ काफ़ी सारा रोमांस और कॉमेडी भी देखने को मिलने वाले हैं और इसे देखने के बाद आप सभी काफ़ी ज़्यादा मज़े ले पाओगे फिल्म लाइगर से। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाली है और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे। तो दोस्तों आप सभी को इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के अपोजिट में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी देखने को मिलेंगी जो इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की यह ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म लाइगर 2022 की सबसे खूबसूरत फिल्म में से एक फिल्म बनी थी। और दोस्तों तभी तो लोगों ने फिल्म लाइगर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और इस फिल्म ने कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा किया है।
क्योंकि दोस्तों फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार थी। और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी फिल्म के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया है। और बात करें इस फिल्म की डायरेक्टर की, तो आप सभी को बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने, जो साउथ के काफी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने साउथ इंडियन कई भी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि टेम्पर और बिजनेसमैन जैसी कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो पुरी जगन्नाथ ने फिल्म लाइगर के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ साथ कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है, और जिसे देखने में आप सभी को काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। क्योंकि दोस्तों फिल्म के अंदर लीड रोल के तौर पर हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के काफी ज्यादा पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों कुल मिला के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की डायरेक्शन में बनी फिल्म लाइगर 2022 की एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार फिल्म बनी थी। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये जबरदस्त फिल्म लाइगर में पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड भी हैं। तभी तो 2022 में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की काफी सारी फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में कामयाब रहा है। लाइगर साउथ इंडियन मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिस फिल्म को 2022 25 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छी रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन ये जबरदस्त फिल्म लाइगर में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अब तक की फिल्मी करियर में सबसे बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था तब इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दिए थे। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में तमिल और हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की तेलुगु वर्सन और हिंदी वर्सन की फैंस ने फिल्म्स के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और जमकर तारीफें की थी। क्योंकि दोस्तों फिल्म था ही इतना ज़बरदस्त कि लोगों को ये फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों वैसे तो साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज सिनेमाघरों में रिलीज हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मूवीज लोगों को और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के बारे में बता दूं तो सुपरस्टार विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो हर कोई को पसंद आते हैं। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने जब से साउथ इंडियन फिल्मों में अपना डेब्यू किया है तब से ही लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और जिसको इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के काफ़ी देशों में देखा जाता है, और दुनिया भर के काफ़ी देशों के लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को पसंद भी करते हैं। एंड दोस्तों बात करें उनकी 2022 में रिलीज हुई फिल्म लाइगर की, तो बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट होने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी ज़बरदस्त किया था। क्योंकि दोस्तों लोगों ने इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया था कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की इस फिल्म को सुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता था, और तभी तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रहा है। और इसके अलावा भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी मूवीज़ की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में भी कामयाब रहा है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये जबरदस्त फिल्म लाइगर को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, और इसी वजह से भी ये फिल्म सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक फिल्म बनी है। एंड दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का रोल भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर देने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए थे। क्योंकि दोस्तों हम सभी ने इस फिल्म की ट्रेलर और मैक्सिमम लोगों ने तो पूरा ही फिल्म देखा होगा,
और उसमें भी आप देख सकते हो कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा फिल्म के अंदर कितना दमदार रोल प्ले कर रहे हैं। और जहां पर हम सभी को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जबरदस्त और धमाकेदार एक्शन सीन्स भी देखने को मिले थे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म के अंदर भी हम सभी को ट्रेलर के तरह ही काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ काफ़ी सारा रोमांस और कॉमेडी भी देखने को मिलने वाले हैं। और इसे देखने के बाद आप सभी काफ़ी ज़्यादा मज़े ले पाओगे फिल्म लाइगर से। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाली है। और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे। तो दोस्तों आप सभी को इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के अपोजिट में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी देखने को मिलेंगी, जो इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की यह जबरदस्त और धमाकेदार फिल्म लाइगर 2022 की सबसे खूबसूरत फिल्म में से एक फिल्म बनी थी। और दोस्तों तभी तो लोगों ने फिल्म लाइगर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और इस फिल्म ने कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा किया है। क्योंकि दोस्तों फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार थी। और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। और बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की तो आप सभी को बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने साउथ इंडियन कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि टेम्पर और बिजनेसमैन जैसी कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो पुरी जगन्नाथ ने फिल्म लाइगर के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ साथ कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है, और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। क्योंकि दोस्तों फिल्म के अंदर लीड रोल के तौर पर हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों कुल मिला के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की डायरेक्शन में बनी फिल्म लाइगर 2022 की एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार फिल्म बनी थी। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की यह जबरदस्त फिल्म लाइगर में पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड भी हैं। तभी तो 2022 में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की काफ़ी सारी फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में कामयाब रहा है। लाइगर साउथ इंडियन मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिस फिल्म को 2022 25 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन ये जबरदस्त फिल्म लाइगर में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अब तक की फिल्मी करियर में सबसे बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था तब इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दिए थे। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में तमिल और हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की तेलुगु वर्सन और हिंदी वर्सन की फैंस ने फिल्म के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और जमकर तारीफें की थी। क्योंकि दोस्तों फिल्म था ही इतना ज़बरदस्त कि लोगों को ये फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों वैसे तो साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज सिनेमाघरों में रिलीज हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मूवीज़ लोगों को और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के बारे में बता दूं तो सुपरस्टार विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो हर कोई को पसंद आते हैं। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने जब से साउथ इंडियन फिल्मों में अपना डेब्यू किया है
तब से ही लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिसको इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के काफ़ी देशों में देखा जाता है और दुनिया भर के काफ़ी देशों के लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को पसंद भी करते हैं। एंड दोस्तों बात करें उनकी 2022 में रिलीज हुई फिल्म लाइगर की तो बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट होने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी ज़बरदस्त किया था, क्योंकि दोस्तों लोगों ने इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया था कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की इस फिल्म को सुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता था। और तभी तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रहा है। और इसके अलावा भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी मूवीज़ की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में भी कामयाब रहा है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की यह ज़बरदस्त फिल्म लाइगर को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और इसी वजह से भी ये फिल्म सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक फिल्म बनी है। एंड दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का रोल भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर देने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए थे। क्योंकि दोस्तों हम सभी ने इस फिल्म की ट्रेलर और मैक्सिमम लोगों ने तो पूरा ही फिल्म देखा होगा और उसमें भी आप देख सकते हो कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा फिल्म के अंदर कितना दमदार रोल प्ले कर रहे हैं। और जहां पर हम सभी को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ज़बरदस्त और धमाकेदार एक्शन सीन्स भी देखने को मिले थे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म के अंदर भी हम सभी को ट्रेलर के तरह ही काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ काफ़ी सारा रोमांस और कॉमेडी भी देखने को मिलने वाले हैं और इसे देखने के बाद आप सभी काफ़ी ज़्यादा मज़े ले पाओगे फिल्म लाइगर से। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाली है और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे। तो दोस्तों आप सभी को इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के अपोजिट में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी देखने को मिलेंगी, जो इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की यह ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म लाइगर 2022 की सबसे खूबसूरत फिल्म में से एक फिल्म बनी थी। और दोस्तों तभी तो लोगों ने फिल्म लाइगर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और इस फिल्म ने कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा किया है, क्योंकि दोस्तों फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार थी और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। और बात करें इस फिल्म की डायरेक्टर की तो आप सभी को बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने साउथ इंडियन कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि टेम्पर और बिजनेसमैन जैसी कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो पुरी जगन्नाथ ने फिल्म लाइगर के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ साथ कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि दोस्तों फिल्म के अंदर लीड रोल के तौर पर हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों कुल मिला के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की डायरेक्शन में बनी फिल्म लाइगर 2022 की एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म बनी थी, क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड भी हैं। तभी तो 2022 में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की काफ़ी सारी फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में कामयाब रहा है। सीतारामम साउथ इंडियन मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है
और जिस फिल्म को 2022 5 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था। एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही है, क्योंकि दोस्तों बता दूं कि साउथ इंडियन ये जबरदस्त फिल्म सीतारामम में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान की अब तक की फिल्मी करियर में सबसे बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक फिल्म है सीतारामम। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था तब इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दिए थे। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान की तेलुगु भाषण की फैंस ने फिल्म के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और जमकर तारीफें की थी। क्योंकि दोस्तों फिल्म था ही इतना ज़बरदस्त कि लोगों को ये फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों वैसे तो साउथ इंडियन सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान की जितने भी मूवीज सिनेमाघरों में रिलीज हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मूवीज़ लोगों को और सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान की फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को साउथ इंडियन सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान के बारे में बता दूं तो सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो हर कोई को पसंद आता है। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान ने जब से साउथ इंडियन फिल्मों में अपना डेब्यू किया है तब से ही लोग सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और जिसको इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के काफ़ी देशों में देखा जाता है, और दुनिया भर के काफ़ी देशों के लोग सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान को पसंद भी करते हैं। एंड बात करें उनकी इसी साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म सीतारामम की तो बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट होने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी कलेक्शन जबरदस्त किया था। क्योंकि दोस्तों लोगों ने इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया था कि सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान की इस फिल्म को सुपरहिट होने से कोई रोक नहीं सकता था, और तभी तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रहा है। और दोस्तों इसके अलावा भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई मूवीज़ की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में भी कामयाब रहा है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान की यह ज़बरदस्त फिल्म सीतारामम को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, इसी वजह से भी ये फिल्म सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक फिल्म बनी है। एंड दोस्तों बता दें कि फिल्म सीतारामम में सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान का रोल भी काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन कर देने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए थे। क्योंकि दोस्तों हम सभी ने इस फिल्म की ट्रेलर और मैक्सिमम लोगों ने पूरी की पूरी फिल्म ही देखी होगी, और उसमें भी आप देख सकते हो कि सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान फिल्म के अंदर कितना दमदार रोल प्ले कर रहे हैं। और जहाँ पर हम सभी को सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान की प्यारी सी लव स्टोरी के साथ साथ काफ़ी सारा रोमांटिक सीन्स भी देखने को मिले थे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म के अंदर भी हम सभी को ट्रेलर के तरह ही काफ़ी सारा रोमांस और कॉमेडी देखने को मिलने वाले हैं, और इसे देखने के बाद आप सभी काफ़ी ज़्यादा मज़े ले पाओगे फिल्म सीतारामम से। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाली है, और वहीं फिल्म सीतारामम के अंदर सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर। तो दोस्तों आप सभी को इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान के अपोजिट में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर भी देखने को मिलेंगी। और दोस्तों इसके अलावा भी इस फिल्म के अंदर ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी देखने को मिलेंगी, जो इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। तो दोस्तों कुल मिला के सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान और एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर और रश्मिका मंदाना स्टारर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की यह जबरदस्त और धमाकेदार फिल्म सीतारामम 2022 की सबसे खूबसूरत फिल्म में से एक फिल्म बनी थी, और तभी तो लोगों ने और क्रिटिक्स ने फिल्म सीतारामम को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, और इस फिल्म ने कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा किया था। क्योंकि दोस्तों फिल्म एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार थी, और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान और मृणाल ठाकुर के साथ साथ रश्मिका मंदाना ने भी फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। और बात करें इस फिल्म की डायरेक्टर की तो आप सभी को बता दें कि सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान और एक्ट्रेस
मृणाल ठाकुर स्टारर फिल्म सीतारामम को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर हनु राघव पुटी ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने साउथ इंडियन कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि लाए और आई एम फेमस जैसी कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्टर हनु राघव पुटी ने डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर हनु राघव पुडी ने फिल्म सीतारामम के अंदर सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान और एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर के साथ साथ रश्मिका मंदाना को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि दोस्तों फिल्म के अंदर लीड रोल के तौर पर हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान और मृणाल ठाकुर के साथ साथ रश्मिका मंदाना भी आप सभी को इस फिल्म में देखने को मिलेंगी, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों कुल मिला के डायरेक्टर हनु राघव पुडी की डायरेक्शन में बनी फिल्म सीतारामम 2022 की एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार फिल्म बनी थी, क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान की यह जबरदस्त फिल्म सीतारामम में पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड भी हैं। तभी तो 2022 में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की काफ़ी सारी फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में कामयाब रहा है। लेकिन दोस्तों बता दूं कि अभी फिलहाल फिल्म सीतारामम को सिर्फ और सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में ही लोगों ने देखा है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अभी इस फिल्म को सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान और वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर को और रश्मिका मंदाना को पसंद करने वाले लोग फिल्म सीतारामम को हिंदी डब्ड वर्सन में देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इंतज़ार भी बेसब्री से कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान की ये जबरदस्त फिल्म सीतारामम जितना तेलुगु लैंग्वेज में हिट हुआ था उससे कहीं ज़्यादा जब ये फिल्म हिंदी वर्सन में रिलीज होगा तब होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को देखने के लिए सुपरस्टार ड्वेलकर सलमान और मृणाल ठाकुर के साथ साथ रश्मिका मंदाना की हिंदी वर्सन फैंस की डिमांड्स को देखने के बाद तो जो भी यही कहेगा कि जितना फिल्म ने तेलुगु वर्सन में कलेक्शन किया था उससे कहीं ज़्यादा हिंदी वर्सन में करेगा। डॉक्टर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिस फिल्म को 2021 अक्टूबर 9 तारीख को ही सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन या जबरदस्त फिल्म डॉक्टर में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन की अब तक की फिल्मी करियर में सबसे बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक फिल्म है डॉक्टर। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था तब इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज भी दिए थे। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में सिर्फ और सिर्फ तमिल लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन की तमिल वर्सन की फैंस ने फिल्म के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज और जमकर तारीफें भी की थी, क्योंकि दोस्तों फिल्म था ही इतना ज़बरदस्त कि लोगों को ये फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों वैसे तो साउथ इंडियन सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन की जितनी भी मूवीज सिनेमाघरों में रिलीज हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मूवीज लोगों को और सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन की फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को साउथ इंडियन सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन के बारे में बता दूं तो सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो हर कोई को पसंद आता है, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन ने जब से साउथ इंडियन फिल्मों में अपना डेब्यू किया है तब से ही लोग सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिसको इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से लेकर इंडिया के बाहर पूरी दुनिया भर के काफ़ी देशों में देखा जाता है और दुनिया भर के काफ़ी देशों के लोग सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन को पसंद भी करते हैं। और दोस्तों बात करें उनकी 2021 में रिलीज हुई फिल्म डॉक्टर की तो बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट होने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी ज़बरदस्त किया था, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया था कि सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन की इस फिल्म को सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता था और तभी तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रहा है।
और दोस्तों इसके अलावा भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई मूवीज़ की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में भी कामयाब रहा है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन की यह ज़बरदस्त फिल्म डॉक्टर को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और इसी वजह से भी ये फिल्म सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक फिल्म बनी है। एंड दोस्तों बता दें कि फिल्म डॉक्टर में सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन कर देने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन एक अलग ही अंदाज में दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हम सभी ने इस फिल्म की ट्रेलर तो देखे ही होंगे, उसमें भी आप देख सकते हो कि सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन फिल्म के अंदर कितना दमदार रोल प्ले कर रहे हैं। और जहां पर हम सभी को सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन की ज़बरदस्त और धमाकेदार एक्शन सीन्स भी देखने को मिले थे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म के अंदर भी हम सभी को ट्रेलर के तरह ही काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ काफ़ी सारा रोमांस और कॉमेडी भी देखने को मिलने वाले हैं। और इसे देखने के बाद आप सभी काफ़ी ज़्यादा मज़े ले पाओगे फिल्म डॉक्टर से। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाली है। और वहीं फिल्म डॉक्टर के अंदर सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस प्रियंका अरुल मोहन। तो दोस्तों आप सभी को इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन के अपोजिट में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस प्रियंका अरुल मोहन भी देखने को मिलेंगी, जो इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन और एक्ट्रेस प्रियंका अरुल मोहन स्टारर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की यह ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म डॉक्टर 2021 की सबसे खूबसूरत फिल्म में से एक फिल्म बनी थी। और तभी तो लोगों ने इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा किया था। क्योंकि दोस्तों फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार थी। और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन और एक्ट्रेस प्रियंका अरुल मोहन ने भी फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। और बात करें इस फिल्म की डायरेक्टर की तो आप सभी को बता दें कि सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन और एक्ट्रेस प्रियंका अरुल मोहन स्टारर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ये ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म डॉक्टर को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर नेल्सन ने, जो साउथ के काफ़ी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं, जिसने इससे पहले कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि बीस्ट और जेलर जैसी कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्टर नेल्सन ने डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो डायरेक्टर नेल्सन ने फिल्म डॉक्टर के अंदर सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन और एक्ट्रेस प्रियंका अरुल मोहन के साथ साथ कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है, और जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। क्योंकि दोस्तों फिल्म के अंदर लीड रोल के तौर पर हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस प्रियंका अरुल मोहन और सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों कुल मिला के डायरेक्टर नेल्सन की डायरेक्शन में बनी फिल्म डॉक्टर 2021 की एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म बनी थी। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन की ज़बरदस्त फिल्म डॉक्टर में पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड भी हैं। और तभी तो 2021 में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की काफ़ी सारी फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में कामयाब रहा है। लेकिन दोस्तों बता दें कि अभी फ़िलहाल फिल्म डॉक्टर को सिर्फ और सिर्फ तमिल लैंग्वेज में ही लोगों ने देखा है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि अभी इस फिल्म को सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन और वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस प्रियंका अरुल मोहन को पसंद करने वाले लोग फिल्म डॉक्टर को हिंदी डब्ड वर्सन में देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और इंतज़ार भी बेसब्री से कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन और एक्ट्रेस प्रियंका अरुल मोहन स्टारर फिल्म डॉक्टर जितना तमिल लैंग्वेज में हिट हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा जब भी फिल्म हिंदी वर्सन में रिलीज होगा तब होने वाली है।
क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को देखने के लिए सुपरस्टार शिवा कार्तिकेयन और एक्ट्रेस प्रियंका अरुल मोहन की हिंदी वर्सन फैंस की डिमांड्स को देखने के बाद तो जो भी यही कहेगा कि जितना फिल्म ने तमिल वर्सन में कलेक्शन किया है उससे कहीं ज़्यादा हिंदी वर्सन में करेगा। लाइगर साउथ इंडियन मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिस फिल्म को 2022-25 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन ये ज़बरदस्त फिल्म लाइगर में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अब तक की फिल्मी करियर में सबसे बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था तब इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दिए थे। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में तमिल और हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की तेलुगु वर्सन और हिंदी वर्सन की फैंस ने फिल्म के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और जमकर तारीफें की थी। क्योंकि दोस्तों फिल्म था ही इतना ज़बरदस्त कि लोगों को ये फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों वैसे तो साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मूवीज़ लोगों को और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के बारे में बता दूं तो सुपरस्टार विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो हर कोई को पसंद आते हैं। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने जब से साउथ इंडियन फिल्मों में अपना डेब्यू किया है तब से ही लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और जिसको इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के काफ़ी देशों में देखा जाता है और दुनिया भर के काफ़ी देशों के लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को पसंद भी करते हैं। एंड दोस्तों बात करें उनकी 2022 में रिलीज हुई फिल्म लाइगर की तो बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा हिट होने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भी ज़बरदस्त किया था। क्योंकि दोस्तों लोगों ने इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया था कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की इस फिल्म को सुपर हिट होने से कोई रोक नहीं सकता था और तभी तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़बरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रहा है। और इसके अलावा भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी मूवीज़ की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में भी कामयाब रहा है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की यह ज़बरदस्त फिल्म लाइगर को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और इसी वजह से भी ये फिल्म सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक फिल्म बनी है। एंड दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का रोल भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन कर देने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही अंदाज में दिखाई दिए थे। क्योंकि दोस्तों हम सभी ने इस फिल्म की ट्रेलर और मैक्सिमम लोगों ने तो पूरा ही फिल्म देखा होगा और उसमें भी आप देख सकते हो कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा फिल्म के अंदर कितना दमदार रोल प्ले कर रहे हैं। और जहां पर हम सभी को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ज़बरदस्त और धमाकेदार एक्शन सीन्स भी देखने को मिले थे। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि फिल्म के अंदर भी हम सभी को ट्रेलर के तरह ही काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन के साथ साथ काफ़ी सारा रोमांस और कॉमेडी भी देखने को मिलने वाले हैं और इसे देखने के बाद आप सभी काफ़ी ज़्यादा मज़े ले पाओगे फिल्म लाइगर से। तो दोस्तों कुल मिला के फिल्म काफ़ी ज़्यादा खुश कर देने वाली है और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे। तो दोस्तों आप सभी को इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के अपोजिट में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वेरी ब्यूटीफुल एंड मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी देखने को मिलेंगी जो इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की यह ज़बरदस्त और धमाकेदार फिल्म लाइगर 2022 की सबसे खूबसूरत फिल्म में से एक फिल्म बनी थी। और दोस्तों तभी तो लोगों ने फिल्म लाइगर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और इस फिल्म ने कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा किया है। क्योंकि दोस्तों फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त और धमाकेदार थी और वहीं फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और
एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी फिल्म के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया है। और बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो आप सभी को बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टारर फिल्म लाइगर को डायरेक्ट किया है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने, जो साउथ के काफी सक्सेसफुल डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हैं और जिसने साउथ इंडियन कई बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि टेम्पर और बिजनेसमैन जैसी कई साउथ इंडियन बिग ब्लॉकबस्टर फिल्मों को डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार तो पुरी जगन्नाथ ने फिल्म लाइगर के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे के साथ साथ कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को भी एक ही साथ एक ही फिल्म के अंदर एक्टिंग करवाया है और जिसे देखने में आप सभी को काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है, क्योंकि दोस्तों फिल्म के अंदर लीड रोल के तौर पर हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वेरी टैलेंटेड एंड वेरी पॉपुलर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस अनन्या पांडे, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के काफी ज्यादा पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों कुल मिला के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की डायरेक्शन में बनी फिल्म लाइगर 2022 की एकदम ही जबरदस्त और धमाकेदार फिल्म बनी थी, क्योंकि दोस्तों बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये जबरदस्त फिल्म लाइगर में पूरी की पूरी स्टार कास्ट और पूरी की पूरी फिल्म मेकर्स टीम पॉपुलर होने के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड भी हैं। तभी तो 2022 में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की काफी सारी फिल्म्स की रिकॉर्ड्स ब्रेक करने में कामयाब रहा है। लाइगर साउथ इंडियन मच अवेटेड फिल्म में से एक फिल्म है और जिस फिल्म को 2022 25 अगस्त को ही सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब रही है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि साउथ इंडियन ये जबरदस्त फिल्म लाइगर में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अब तक की फिल्मी करियर में सबसे बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। क्योंकि दोस्तों बता दें कि जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था तब इस फिल्म को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दिए थे। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में तमिल और हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की तेलुगु वर्सन और हिंदी वर्सन की फैंस ने फिल्म के बारे में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और जमकर तारीफें की थी, क्योंकि दोस्तों फिल्म था ही इतना ज़बरदस्त कि लोगों को ये फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। लेकिन दोस्तों वैसे तो साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की जितनी भी मूवीज सिनेमाघरों में रिलीज हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मूवीज़ लोगों को और सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के बारे में बता दूं तो सुपरस्टार विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार हैं जो हर कोई को पसंद आते हैं। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने जब से साउथ इंडियन फिल्मों में अपना डेब्यू किया है तब से ही लोग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं।